हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज़ नाउ में। अब मैं आपको ONGC में 907 एग्जीक्यूटिव E1 लेवल पदों के लिए गेट 2019 द्वारा जो भर्ती आरंभ की गई है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जॉब न्यूज़ नाउ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। अब मैं आपको ONGC द्वारा जो हमारे वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं वो उनके बारे में बताती हूँ। ONGC का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसके लिए हमें क्या करना है, ये सीधी हमारी डायरेक्ट इंटरव्यू के ज़रिए जो है वो एग्जीक्यूटिव की भर्तियां हैं। उसके लिए हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे गूगल में जाके टाइप करना है ONGC रिक्रूटमेंट 2019, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास ये ONGC रिक्रूटमेंट नोटिस ऑयल एंड गैस जॉब्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस ऑयल एंड गैस जॉब्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसमें हमारे पास सबसे ऊपर है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव E1 लेवल थ्रू गेट 2019, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो ONGC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो लिंक हैं वो दिए गए हैं। अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो यहाँ दिया गया है। इसकी इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो दी गई हैं। स्टार्टिंग डेट है 5 अप्रैल 2019 और लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2019। फिर पीरियड ऑफ फॉर अपलोडिंग द स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड डाउनलोडिंग द इंटरव्यू कॉल लेटर 5 मई 2019 से 20 मई 2019 के बीच में, और इंटरव्यू जो है वो 10 जून 2019 से शुरू होंगे। तो हम अप्लाई करने से पहले इसकी जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल है वो डाउनलोड कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो इन वैकेंसी से रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ दी गई है। ये इंजीनियरिंग के जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं, तो ये दिए गए हैं यहाँ पे कौन कौन से इंजीनियर, कौन कौन से पद हैं और उनकी कौन कौन सी भूमिका है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया गया है आयु सीमा जो है वो हर एक श्रेणी के लिए अलग अलग दी गई है, 30, 33, 35, 40, तो ये सब के लिए आयु सीमा अलग अलग होती है। और यहाँ पे हमें दिया गया है रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, सामान्य EWS OBC इनके लिए 370 रुपये, SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें चयन प्रक्रिया जो हमें ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का जो हमारा 2019 का जो रिज़ल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिलेक्शन है वो होगा। 60 अंक होने चाहिए, कुल हमारे टोटल 100 अंक हो जाएंगे, तो हमारे चयन जो है उसके लिए हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारी जो सारी मेडिकल और जो हमारे फिज़िकल जो टेस्ट हैं उनके बारे में सारी जानकारी दी गई हैं। आप कृपया करके इसको ध्यान से पढ़िए, और अगर हमारा चैनल
पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।